दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। गंज बासोदा बेतवा नदी स्वच्छता संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन के उद्देश्य पिछले दो वर्ष से भी अधिक समय से निरंतर श्रमदान दल के तत्वधान में रविवार को साप्ताहिक श्रमदान अभियान 3 का चौथा चरण बेतवा नदी स्थित रिप्ता घाट पर आयोजित हुआ। 3 घंटे तक चले श्रमदान कार्य में दल के सदस्यों द्वारा नदी के जल एवं नदी के किनारे घाट क्षेत्र से एक ट्राली से अधिक कचरा निकल गया, जिसमें प्लास्टिक सामग्री, पूजन सामग्री, तेल, शैम्पू पाउच, फूल एवं फल मालाओं की भरमार थी। ज्ञात हो इन दिनों त्योहारों का दौर चल रहा है, पहले गणेश चतुर्थी, फिर श्राद्ध पक्ष और अब नवरात्रि का दौर जारी है। ऐसे में त्योहारी सीजन में नदियों एवं जलाशयों के किनारे जन सैलाब स्वाभाविक बात है। आपका क्या नाम है? वेदांशी। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो आप? सफाई, किसने बोला है आपको सफाई करने के लिए? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सर आप बताइए कि क्या भेजाने हैं और लोगों को आप क्या बोलना चाह रहे हैं और किस तरह की गंदगी यहाँ मिल रही है आपको? गंदगी तो तरह तरह की मिल रही है, जो नहीं मिलना चाहिए वो ही मिल रही है। लोगों को जागरूक होना चाहिए, घर के आगे झाड़ू सब लगा लेते, अरे नदी है तो इसका मतलब ये थोड़ा सा है, कुछ भी आया और बस गटर माला पटकी हो चले गए, गलत बात है ना। सोचना चाहिए लोगों को। ये तो आपको एक तरफ मैया का दर्जा देते हो आप, दूसरी तरफ उसकी स्थिति आकर देखो, कचरे के ढेर ये पड़े हुए हैं सामने, सड़ रही हैं चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कैमरे के सामने बोल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हमें नदी मिलती हैं अंदर। तो धर्म की जगह धर्म है, बाकी सफाई की जगह सफाई, एक तरफ आप माँ बोलते हो, दूसरी तरफ इस तरह के कृत्य करते हो। सोचना चाहिए लोगों को, क्या क्या के परेशान हैं लोग, देखते इसके बाद ही सपोर्ट नहीं करते, इंतजार करते हैं कि बस ये लोग जाओ और हम कब कचरा डाल दें। कई बार हमने आँखों से देखा ये चीज़, झोला लेके खड़े हैं पीछे कि श्रमदान वाले जाएं और हम डाल दें। होता है कि नहीं होता बताओ आप? तो हम तो ऐसे ही आए थे, वैसे बहाने मारते अलग। अच्छा, और भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो लगातार नदी पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में आपका नाम बताइए भाई साहब, और आप क्या लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं नितिन अग्रवाल। पिछले कई समय से हम बेतवा की सफाई कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि लोग देख रहे हैं समाचार पत्र के माध्यम से, अन्य संसाधनों से, लेकिन किसी में अभी तक इतनी जागरूकता नहीं आई है कि हमें देखने के बाद भी और वर्तमान में प्रेजेंट उपस्थिति में भी हमारे सामने भी कचरा डाल देते हैं, और जब हम उनसे मना करते हैं तो वो उल्टा कचरा ना डालने के लठ उठा के हम पे खड़े हो जाते हैं। आप समझिए, आप एक बेतवा मैया को आप वहाँ जाके स्टेजों पे बोल रहे हैं बेतवा पानी साफ होना चाहिए, नगर पालिका को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, सरकारों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन जनता का क्या कर रही है? जनता जब कचरा ही नहीं करेगी तो किसी को किसी की चीज़ की सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बात तो जनता को खुद जागरूक होना चाहिए कि आपके पास एक माँ बेतवा मैया इतनी अच्छी नदी बह रही है जिसका आप वर्तमान में से लेके पूर्व तक आज जो भी है उस माँ की बदौलत आप लोग पानी के लिए नहीं तरस रहे, वरना क्षेत्रों में जाके देखिए पानी की कितनी किल्लत है, लोग दूर दूर से पानी भर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये पीछे आग जल रही है, कचड़े में आग लगाई गई है, तो इसके ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको कचड़ा जलाना पड़ रहा है? क्या शासन प्रशासन की आपको कोई मदद नहीं मिल रही है इस काम में? पिछले साल तो मिल रही थी, लेकिन इस साल काफ़ी प्रयास किया, उसके बावजूद भी यहाँ पे नगर पालिका का सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा है। तो आपने इस संबंध में जो क्षेत्रीय प्रशासन है उनको इस संबंध में बात की है कि वो कचड़ा वगैरह उठाने के लिए? भाई बात कई बार बात की है, पूरी टीम के साथ भी बात की है, ज्ञापन लिखित में भी बात की है। तो देख रहे हैं हम जिस किस तरह से ये कचड़ा नदी के किनारे से निकल रहा है, लोग विवश कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह की गंदगी, जैसे कि अभी श्रमदान दल के लोगों ने बताया कि कुछ इस टाइप की भी गंदगी होती है जो है ना, बताने में भी लोग कतरा रहे हैं। और ये हम देख पा रहे हैं काफ़ी किस तरह की गंदगी लोग नदी में डाल रहे हैं। एक जगह माँ का दर्जा दिया गया है, दूसरी जगह ये ऐसी गंदगी जो है ना मानव शरीर के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पानी में रहने वाले छोटे छोटे मूक पशुओं के लिए, जीवों के लिए काफ़ी